हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न देखिए हमारा कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बनता है, सीधी तरफ से ये हमारा ऐसे और उल्टी तरफ से इस तरह से बनेगा। दोनों तरफ से फिनिशिंग से बनता है और आसान है ये, इतना ज़्यादा आसान है ना, बहुत ज़्यादा। सिर्फ 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। इसे आप स्टार्टिंग से भी बना सकते हो, अगर आप बिना किसी बॉर्डर के भी इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हो तो भी ये बन जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा बनकर। इसे बनाने के लिए सिलाई में मैंने यहाँ पर फंदे ले लिए हैं। इसके लिए जो हमने फंदे लेने हैं वो 4-4 के मल्टीपल से, जैसे 4 फंदे 4 फंदे 4 फंदे 4 फंदे इस तरह से काउंट करते हुए जाना है हमने। लास्ट में हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। इस सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, 18 फंदे डाले हैं मैंने सिलाई में, 4 4 4 करते हुए 16 फंदे और 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से, पहले 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। फर्स्ट फंदे से ही हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब पूरी सिलाई में हमारे जितने भी फंदे हैं सेम ऐसे ही हमने बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, जिस तरह से हम बॉर्डर भी बनाते हैं ना, इस तरह से। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में नीचे बॉर्डर बना रहे हो तो आप 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर भी बना सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाया है आप उस तरह से भी बना सकते हो। तो फिर इस बॉर्डर की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। इस तरह से करते हुए देखिए पूरी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से ये स्टार्टिंग के देखिए 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट के ये 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की सेकंड रो पूरी बना ली है। अब थर्ड रो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी। अब ये स्टार्टिंग के देखिए, पहले 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, फिर से ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब फोर्थ रो हमारी उल्टी तरफ से, तो फोर्थ रो को भी बिल्कुल हमने सेकंड रो की तरह ही बनाना है। स्टार्टिंग के पहले 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम टू सेम आपने ऐसे ही बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। देखिए ऐसे करते हुए ये फोर्थ रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 5 सीधी तरफ से, ये डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है हमारी।
अब इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने सीधा बुन लेना है। आप उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब सिलाई में जितने भी फंदे हैं सभी फंदों पर हमने तीन तीन बार धागा लपेटते हुए बनाना है। जैसे इस फंदे को सीधा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाया। अब ये उल्टा फंदा है लेकिन इसे सीधा ही बनाना है। सिलाई पे जितने भी फंदे हैं सारे सीधे ही बनेंगे, एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटा सीधा बना लिया। अब फिर से एक दो तीन, तीन बार धागा लपेटते हुए ऐसे ही सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये एक दो तीन, 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 फिर से एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ही करते हुए ये पूरे फंदे मैंने बना लेने हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, सभी फंदे बना लिए। इस लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की पांचवी सिलाई हमारी पूरी बन गई। अब सिक्स्थ रो, छठवीं सिलाई हमारी उल्टी तरफ से देख लीजिए, ये डिज़ाइन की हमारी आखिरी सिलाई होगी। इस फर्स्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर उसके बाद देखिए ये एक दो तीन चार, इन चारों फंदों को खोल लेंगे। खोलने के बाद हमने वापस ले लेना है इस सिलाई में, लेफ्ट नीडल में। अब ये चार फंदे हैं हमारे, आगे वाले दो फंदे छोड़ेंगे। इन दो फंदों को इस तरह से ऊपर से, ऊपर से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये दो फंदे आगे वाले पीछे आ गए, पीछे वाले आगे आ गए। अब इन चारों फंदों को हमने सी उल्टा ही बना लेना है, एक दो तीन चार, इस तरह से। अब फिर से हमने क्या करना है, ये एक ये दो तीन चार, चार फंदे खोले, वापस ले लिया लेफ्ट नीडल में। अब आगे वाले दो फंदे छोड़ देंगे, पीछे वाले दोनों फंदों को इसके ऊपर से ऐसे ले आएंगे। अब ये वाले देखिए, आगे वाले फंदे पीछे आ गए, पीछे वाले आगे आ गए। अब इन चारों फंदों को बनाना उल्टा ही है, तो एक तरह से हमारा ये क्रॉस बन जाएगा इसमें, और ये डिज़ाइन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है हमारा इस तरह से। एक दो तीन चार, इन्हें वापस ले गए, आगे वाले दो छोड़ेंगे, पीछे वाले दोनों को ऊपर से ले जाएंगे, वापस ले गए। अब इन चारों को उल्टा ही बना लेंगे। अब फिर से ये एक दो तीन चार, इन चारों को वापस ले गए, इन दो को ऊपर से ले जाएंगे। अब इन्हें वापस, और इन चारों फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। इस तरह से करते हुए रोज हमारी सिलाई में जितने भी फंदे हैं हमने बना लेने हैं, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि छह सिलाइयों का डिज़ाइन है, देखिए छह सिलाइयों में ये इस तरह से डिज़ाइन बनकर आता है ना, कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन। अगर आप लेडीज़ के कार्डिगन जैकेट में भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए तो भी अच्छा लगेगा, श्रग वगैरह में भी, स्टॉल में आप बनाना चाहो तो भी अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से बनकर आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।